हेलो दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये पार्ट 11 वीडियो है, जिसमें आपकी कंप्यूटर एकदम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो ये आपका पार्ट 11 वीडियो होने वाला है। इसमें आप जानेंगे कंप्यूटर के पीडीओ के बारे में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम यूनिट और सीपीयू के भाग के बारे में जानेंगे। और आपको इस वीडियो से आप कंप्यूटर के एकदम मास्टर बन जाएंगे और फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं अपने बिल्कुल बेसिक के बारे में। यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर कंप्यूटर को सीख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए चलते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीखेंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अपने सिलेबस को बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, इसमें आप कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितने प्रकार के होते हैं, उनके सिस्टम यूनिट के प्रकार एवं सीपीयू के भाग के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब के संगणक क्लास पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और इंग्लिश में कहते हैं जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार से हमारी पीढ़ी, उसी प्रकार से कंप्यूटर की पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता जाता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी अभी लगातार चल रही है, ठीक है। देखिए, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1945 से लेकर 1955 तक चला, जो कि ट्रांजिस्टर पर आधारित है, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी जो कि 1959 से चला था, यहाँ पे गलती से 5 लिखा गया है, ठीक है। जो कि आपके 1959 से लेकर, इसको एडिट कर दें हम सबसे पहले, देखिए 1959 से लेकर 1965 तक चला था, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी जो आपका है वो आपका चला था 1965 से लेकर 1965 से लेकर चला था 1975 तक। चौथी पीढ़ी आपका चला था 1975 से 1989 तक, जिसमें VLSI सर्किट का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया था, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आप बोलते हैं। और जो पांचवी पीढ़ी अभी लगातार चल रहा है वो 1989 से लेकर अब तक चल रहा है, जिसमें UALSI का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। इसमें UALSI का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस ये आपकी कुल 5 पीढ़ी है, ठीक है। इनके बारे में अब एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन, ठीक है। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, ENIAC। यह कंप्यूटर 1945 या 46 में विकसित किया गया था, ठीक है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। 1945 और 46 दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 1946 में विकसित किया गया था, बनाया गया था 1945, लेकिन 1946 में पूरा विकसित किया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्या था, तो ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। अगला है, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जो आपके मेमोरी का रूप था वो किस रूप में था, तो वैक्यूम ट्यूब के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मेमोरी के लिए सर्किट चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ये विशाल होते थे, पूरे कमरे को छेक लेते थे। जो आपका प्रथम पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है, मेमोरी के रूप में, ये आपके इतना विशाल होते थे कि पूरे कमरे को छेक लेते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जो कि बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे। जो आपकी पहली पीढ़ी है उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा जगह भी लेता था और ऊष्मा भी उत्पन्न करता था और अविश्वसनीय था, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं होता था। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर देखिए, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब, लेकिन दूसरी पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया और उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल होता था, जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे, इसलिए उसको हटा के दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसलिए दूसरी पीढ़ी नाम पड़ा, ठीक है। उसका जो मेमोरी था उसको बदल दिया गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, दूसरी पीढ़ी। ट्रांजिस्टर का खोज ET और T-Bell में अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मेस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर का खोज ET और T-Bell में अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन से कंप्यूटर थे, पहला था IBM, दूसरा था CTC। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, CTC का मतलब होता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। ये आपकी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तीसरी पीढ़ी,
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का पर इस्तेमाल किया गया। संबंधित सर्किटों के साथ साथ एक एकल आईसी में कई ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक और कैपेसिटर होते थे। जो आपकी तीसरी पीढ़ी आई तो उसमें ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया, उसके जगह पे आईसी का प्रयोग किया गया, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जो भी साइंटिस्ट थे वो क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित होने लगे और उसके जगह पे आईसी का प्रयोग किया, ठीक है। जैक किल्बी नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने आईसी का इस्तेमाल किया था। ये भी अमेरिका की वैज्ञानिक था जैक किल्बी, इन्होंने ही आईसी का क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है आपके फोरट्रान, सेकेंड एंड फोर्थ कोबोल बेसिक ईटीसी, ठीक है। ये आपके तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका फुल फॉर्म जान लीजिए, फोरट्रान का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल का होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपके दो चार है, तीन का आपको दो फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म के लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुका है, आप उसको चाहें तो जाके फुल फॉर्म के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है चौथी पीढ़ी। देखिए चौथी पीढ़ी में फोर्थ जनरेशन में UVLSI टेक्नोलॉजी VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिससे कंप्यूटर और पावरफुल हो गया था। जो हमारी चतुर्थ पीढ़ी है उसमें VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को मिलाकर बनाया गया था, जिससे हमारा जो कंप्यूटर था वो क्या हुआ था और पावरफुल हो गया था। इसमें खोज किए गए कंप्यूटर को देख सकते हैं, पहला TEC था, दूसरा स्टार था, तीसरा PDP-2 था, चौथा आपका कैरी था, पांचवा आपका एप्पल का था, ठीक है। और पांचवी पीढ़ी के बारे में जान लेते हैं। देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को अत्याधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक फास्ट और रिलायबल थे। इन कंप्यूटरों में UVLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर के स्थान पर VLSI वेरी लार्ज स्केल स्थान पर आपका UVLSI का प्रयोग किया गया था। जो आपके चतुर्थ पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया था, उसके स्थान पर पांचवी पीढ़ी में UVLSI का प्रयोग किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी पांचवी पीढ़ी अब तक चल रही, बहुत ही जो हमारा सिस्टम है बहुत ही स्लो, छोटा और कम जगह रिलायबल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बन चुका है, ठीक है। और बहुत फास्ट पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा कौन सा है, तो UVLSI, ठीक है। जो आपकी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसका नाम था VLSI, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके स्थान पे आप पांचवी पीढ़ी में कौन सा बनाया गया, तो UVLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनाया गया, ठीक है। और इसमें जो भी कंप्यूटर है आपके प्रथम जो भारत द्वारा बनाया गया था परम है, परम दशर है, IBM ओरिजिन IBM, ठीक है। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के प्रकार। सिस्टम यूनिट के चार मुख्य प्रकार हैं, डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट, नोटबुक सिस्टम यूनिट, टैबलेट सिस्टम यूनिट, हैंडलेट कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के प्रकार हैं। सो आप जानते हैं CPU के कितने भाग होते हैं। देखिए CPU के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा सेंट्रल यूनिट, तीसरा आपका होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसको कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, मेमोरी यूनिट, जिसको कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। जो हमारा ये मेमोरी यूनिट है इसको कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। जो भी हम अपने डेटा को सेव करते हैं या डेटा पर काम करके उसको सुरक्षित रखते हैं, वो सभी हमारे मेमोरी में ही स्टोरेज होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, किसी प्रकार का आपके मन में सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने कमेंट सुझाव दें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एवं वीडियो देखना पसंद है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।